राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस जहां गहलोत के सीएम चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कश्मकश का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर आम सहमति बनाने के लिए जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। दोनों ही नेताओं की आज आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन आज ये बातचीत नहीं हो पाई। आपको बता दें कि बीते दिन जयपुर पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक निजी होटल में कोर कमेटी की बैठक की थी। इस बैठक में प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। चर्चा है कि अमित शाह ने बैठक में गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक टिकटों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी आलाकमान बड़े पैमाने पर सर्जरी करना चाहता है, हालांकि वसुंधरा राजे कैंप इसका विरोध कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस सर्जरी के निशाने पर वसुंधरा राजे समर्थक विधायक ही बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि कोर कमेटी की बैठक के बाद वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। उधर कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि गुटबाजी करने वालों पर पार्टी सख्त निर्णय लेगी। विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। पार्टी की पहचान कमल का फूल है, व्यक्ति विशेष नहीं है। जानकारों का कहना है कि अमित शाह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा वसुंधरा राजे कैंप की तरफ ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पूरी तरीके से साइडलाइन है। पार्टी ने वसुंधरा राजे को फिलहाल चुनाव से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। कोर कमेटी की बैठक में अचानक दिया कुमारी को बुलाया जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिया कुमारी के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दिया कुमारी की बीजेपी में लगातार अहमियत बढ़ती जा रही है। जयपुर में पीएम मोदी की सभा में मंच संचालन सांसद दिया कुमारी ने ही किया था। ऐसे में दिया कुमारी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।